बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करने जा रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना उस समय और ज्यादा हो गई जब मुकेश सहनी को बीजेपी के कहने पर उन्होंने मंत्रिमंडल का बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इस मंत्रिमंडल फेरबदल में सबसे ज्यादा क्या बदलाव होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल होने जा रहा है। यह फेरबदल बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं उनमें ज्यादा होगा बनिस्पत जेडीयू के कोटे के मंत्रियों के। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे तर्क यह है कि बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के कामकाज से नीतीश कुमार खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और इसकी जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दे दी गई है। शीर्ष नेता नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं और यही कारण माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का में जो फेरबदल होगा उसमें बीजेपी के कोटे के ज्यादातर मंत्रियों के चेहरे बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसमें युवा और स्वस्थ नेताओं को या विधायकों को तरजीह दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं अभी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कामकाज पूरी संतुष्टि से नहीं कर पाते हैं, तो यही वजह है कि ऐसे युवा चेहरों को लिया जाएगा जो बिहार के विकास को और गति दे सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी की तरफ से जो लगातार बयानबाजी चल रही थी, खासतौर पर अपने दल के मुख्यमंत्री को लेकर, उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि ये पूर्ण विराम बोचहा में बीजेपी के करारी हार के बाद ही लग गया था, लेकिन शीर्ष नेताओं ने भी उन बड़े बोले नेताओं को चेताया है कि आप अनाप शनाप बयानबाजी न करें। और खास तौर पर एनडीए के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनके प्रति बीजेपी का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, और ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेता ये चाहते हैं कि एनडीए बिहार में पूरी तरह से इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, ताकि पिछली सफलता को दोहराया जा सके। अब इस बार जो भी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या फेरबदल होगा उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं को मौका देने के साथ साथ जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि पहले भी रखा जाता रहा है मंत्रिमंडल बनाने के समय। दूसरी तरफ जेडीयू के एकाध नेताओं का चेहरा भी बदला जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। पर कुल मिलाकर देखें तो ये फेरबदल ज्यादातर बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को लेकर ही है। नीतीश कुमार चाहते हैं, और उन्होंने हमेशा इसका ख्याल भी रखा है, कि मानसून सत्र से डेढ़ दो महीना पहले ये काम कर लिया जाए मंत्रिमंडल में फेरबदल का, ताकि जो नए मंत्री बने, चाहे जिनका विभाग परिवर्तन हो, वो उस विभाग के कामकाज को पूरी तरह से समझ सकें, ताकि विधानसभा में वो अच्छे तरीके से जवाब दे सके। यही वजह है कि मई के
महीने में कभी भी ये मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। अब आप भी इसके लिए इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है और उसके बाद इस मंत्रिमंडल के फेरबदल का पूरा खाका तैयार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।